अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज। नजर डालते हैं आज की न्यूज पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शादरा का सरप्राइज विजिट किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अपने अमले के अरकान समेत वज़ीर-ए-आला के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शादरा की इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया तो इंतजाम देखकर दंग रह गए। ड्यूटी डॉक्टर्स वार्ड से गायब, नर्सिंग स्टाफ खुशगपियों में मशगूल, जबकि लवाहकीन खुद से बच्चों को नेबुलाइज करने में मसरूफ थे। DMS से सवालों जवाब में मालूम हुआ कि अस्पताल में दवाइयाँ, इंजेक्शन और ड्रिप तक मौजूद नहीं। मरीजों के लवाहकीन खुद दवाइयाँ बाहर से खरीद कर ला रहे थे। अस्पताल की इमरजेंसी के AC बंद थे, जिससे मरीज और उनके लवाहकीन गर्मी की शिद्दत से बेहाल थे। वज़ीर-ए-आला ने जब डॉक्टर्स रूम का विजिट किया तो उनके रूम्स ठंडे ठार थे, जिस पर सख्त बर्मी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इमरजेंसी में दाखिल मरीजों की आयादत की और उनके लवाहकीन से बातचीत की, जिस पर मरीजों के लवाहकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पर वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम से राबता किया और उन्हें गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा के मामला देखने और अस्पताल हुकाम को मरीजों को हर तरह की सहूलियत फराहम करने की हदायत जारी की। मोहम्मद कदीर खान, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज, HT लाहौर। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसों से मुस्तफीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।